मुझे पता नहीं चला आप कब आ गए। Hey, what's up guys? Welcome back to another video. तो आप सोच रहे थे मैं ये क्या देख रहा था। तो आज संडे मींस 27/10/2024 और यस्टरडे 27/26/2024 था मींस सैटरडे। और तब हमारी दिवाली वेकेशन यस्टरडे से चालू हो गया था और हमको एक स्कूल में एक्टिविटी थी जिसमें हमको अपने आप कोई भी दिवाली डेकोरेशन के लिए थीम्स बनानी है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ बनाई है, आपको एक एक करके वो सारी थीम्स दिखाऊंगा। मतलब मेरे ऐसा दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, आपके हुए मुझे कमेंट्स में बताना। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो देख रहा था आपको बता रहा हूँ, ये हिंदुज़म में ऐसा रिलीजियस में होता है ऐसा, ये बनाना बहुत ईजी है। हमको ऐसे प्लस करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे और ऐसा करना है। बनाना बहुत ईजी है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखा रखते हैं, जिसको हम हिंदू रिलीजियस में साठिया बोलते हैं। हमारे हिंदू के रिलीजन में मैंने इसको बहुत ईजीली बनाया है। हमको सबसे पहले ऐसा MDF बोर्ड चाहिए। आप कोई भी कार्डबोर्ड लेके उसको टिश्यू पेपर से रोल अप करके कर सकते हो। मैंने MDF बोर्ड लिया है। हमको एक स्पेशल तरह की क्ले लेनी है जिसको हम मोल्डेड क्ले बोलते हैं। उसमें से दो पैक आते हैं, तो जब हम दोनों पैक को मिक्स करते हैं तब उसको डायरेक्ट हमको जो डिजाइन बनानी है, जो कार्विंग बनानी है बना देनी है। क्योंकि हम उसको मिक्स करके अगर 3-4 घंटे रखेंगे ना और ऐसे छोड़ लेंगे ना, तो फिर वो बहुत स्ट्रांग और कठिन हो जाएगी। जिसको ये देखो, मैं ऐसे कोई टेक्निक यूज नहीं करे निकले हैं, मुझे यहाँ पे कर लेता हूँ। आवाज़ आ रही है, ये स्ट्रांग हो गई है। सो गाइस, मैंने इसको एक वूल से चीज से अटैच किया है ताकि हम इसको हैंग कर सके कोई भी हुक पे। ये मैंने स्टोर से ऐसा लिया है। ये थोड़ा डेकोरेटिव, आपको जैसा जैसा कर सकते हो। यहाँ पे आप शुभ लक्ष भी लिख सकते हो। फिर मैंने ये मिरर्स लगाए हैं जिसको हम गुजराती में आबला बोलते हैं। ये कोई भी शेप्स का आता है। मैंने डायमंड और सर्कल लिया है। सर्कल को मैंने यहाँ पे लगा दिया है ताकि फोर्स और मिरर्स लगा दिए हैं। उसको गोल्डन रेड पेंट कर लिया और बन गया हमारा ये। फिर आप सोच रहे हो कि ये स्टार भी बनाया है, तो स्टार बनाना बहुत इजी है। हमको ये आप मैंने कोई भी कलर से बना रहे, ये मैं मल्टी कलर स्टार बनाया है। आप चाहे तो एक कलर का भी बना सकते हो या तो फिर मल्टी कलर बना सकते हो, आपकी विश है। तो मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ। समझ लीजिए हमारा A4 साइज शीट पेपर है, समझ लीजिए। आपको अगर डायरेक्ट ऐसे ओरिगामी का भी पेपर लेंगे ना तो बहुत स्मॉल बनेगा। तो मैंने A4 लिया, थोड़ा बिग बन रहा है। A4 साइज शीट लेते हैं, उसके ऐसे हाफ में फोल्ड करके और देख लेना कि साइज साइज अच्छे से आ गए हैं भाई। और उसको ऐसे कट कर लेना है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा स्क्वायर। अब ये जो लाइन होगी ना क्रीज, उसको ऐसे हमको क्रीज पे ऐसे ऐसे दो साइड बना लेने हैं। इसको हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे, सेम ऐसी साइड यहाँ पर ये फोल्ड हो गई। अब ये जो नीचे का है ना, हम उसको फोल्ड करना है। ये फोल्ड हो गया ऐसे। अभी हमको ये साइड वाला भी फोल्ड करना है। ये बनाना बहुत इजी है, आप बना सकते हो। और याद रखना, जब भी आप कटिंग कर रहे हो कटर से या सीजर से, और सुपरविजन रखना अपने पेरेंट्स या एडर्स की। हमें इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। हमको क्या करना है, ग्लू लेना है और थोड़ा सा लगा लेना है। उसको हाथ से कोई कार्डबोर्ड पीस से तो स्प्रेड कर लेना है। हमको ऐसे बना लेना है, फिर हमको ऐसे खोल लेना है ताकि ऐसे खुल जाएगा। देखा, आपको ऐसे पांच बनाने हैं और उसको एक स्पेशल टेक्निक से जॉइंट कर लेना है जिससे आपके बन जाएंगे। अभी तो बहुत छोटे हैं, आप ऐसे A4 से बनाओगे तो बहुत बड़े बनेंगे और ऐसा बनेंगे ये साइड में। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये एक स्नोफ्लेक्स है। स्नोफ्लेक्स समझ रहे होंगे कि वो
जैसे पेपर को फोल्ड करके ऐसे कटिंग, वो नहीं। या अगर पेपर स्लो फ्लिप से आपको ये बनाना सिखाना, एक बनाऊंगा आपको ऐसे इसमें पांच बनाना है, मल्टी कलर है, एक कलर आपको जो करना है, व्हाइट कलर से भी कर सकते हो सब कुछ। तो मैंने ऐसे एक पेपर लिया है, कोई नाम पेपर लिया है, इसमें से एक स्क्वायर पेपर है, आप ए फोर से भी स्क्वायर बना सकते हो। इसको से हाफ में से फोल्ड कर लेना है, आप देख सकते हो, फिर उसको दूसरे हाफ ऐसे फोल्ड करना है। सी अभी ये जो ये साइड है ना बड़ी वाली, उसको हमारे मतलब मेरे राइट में, और आप करोगे तो आपके भी राइट में रखना है। और जो क्लोज साइड है ना, क्लोज साइड वहाँ से एक एक सेंटीमीटर की लाइन ले लेनी है। पर ध्यान रखना क्लोज साइड से एकदम पास रहेगी, पर जैसे ये ओपन साइड में जाएगी ना छोटी होती जाएगी, तब गैप रहना चाहिए। फिर मैं सीजर्स लूँगा और ध्यान से इसको कट कर लेना है। आप भी सब कुछ अपने घर पर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। और जैसा कि आपको पता है दिवाली आ रही है, तो आपको घर पर लगने के लिए भी जाएगी। मैंने कट कर लिया है, अब जैसे मैं इसको अनफोल्ड करूंगा वैसे ही यहाँ पे एक पीसेस कट हो जाएगा, पीसेस कट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी टाइप है, तो संभाल के करना, आपका पेपर फट भी सकता है। और ऐसे और ऐसे फिर आपको क्या करना है। सो गाइस, अभी जो मैं बना रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताएं, ये जो पर्टिकुलर ठीक है, सारे चीज तो मैंने गूगल में से और यूट्यूब में से बनाया है, पर ये जो पर्टिकुलर ठीक है वो हमारे स्कूल के मेरे फेवरेट मैम वीरा मैम, मतलब मेरे बहुत सारे मैम फेवरेट है, पर हमारे मैम है वीरा मैम, उन्होंने मुझे सिखाया है लेक्चर में, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये भी हम दिवाली में डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाई, ड्राइंग सिखाया है, वाटर कलर पेंटिंग सब कुछ सिखाया है। और जब मैं उनके लाइक लेक्चर में आता हूँ ना रास्ते में रूम में, तब मुझे लगता है कि मैं पेंटिंग के वर्ल्ड में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग होती है। स्टेरी नाइट 10 मिलियन डॉलर्स की पेंटिंग भी यहाँ पर है, और मुझे पता नहीं उनको कैसे बने, क्योंकि मुझे भी सीखनी है पेंटिंग, क्योंकि बिकॉज इसमें ध्यान देते। तो गाइस, हमको ऐसे ग्लू लेना है, और एकदम पूरा सा ग्लू लगा के इसको ऐसे बेंड करके स्टिक कर लेना है, और इसको कम से कम 2-3 मिनट जब तक ग्लू चिपक ना जाए तब तक करना है। आप फेवी बॉन्ड या ग्लूगन भी यूज कर सकते हो, आई थिंक ग्लूगन इसमें नहीं होगी। सो गाइस, मैंने एक पेन ली है थोड़ी मोटी पेन, उसको ऐसे उसके अंदर डाल दिया है ताकि स्टिक हो जाए। ये स्टिक हो गया, इसको निकाल देते हैं, और ये है उसको जिस साइड हमने इसको इनर साइड किया है, तभी दूसरा इसको आउटर साइड करेंगे, ऐसा इनर आउट करते रहेंगे, और फिर हमारा बन जाएगा। ग्लू लगाएगा इतना थोड़ा वाटर में लगा है, क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तो फैल जाएगा। एक तो मैंने छोटा छोटा डॉट रखा है, इसको ऐसे फोल्ड करके थोड़ी देर होल्ड करना है। और आप भी ये सब कुछ क्राफ्ट बना सकते हो अपने घर पे। अभी मैं तो एक ही बनाऊंगा, फिर आप उसको ऐसे 5 सेम इज लाइक 5 बनाने हैं, और उसको एक स्पेशल टेक्निक से सारे को इकट्ठा करने हैं, और ऊपर से स्टेपल कर लेना है, फिर उसको ऐसे खोलने हैं, और इसकी जो बड़ी वाली साइड है उस वहाँ पर भी स्टेपल कर लेना है, ताकि पूरा स्टिक हो जाएगा, फिर आपका ऐसा डिजाइन बन जाएगी। ग्लू लेके
ऐसा सेम प्रोसेस। सो गाइस मैंने लास्ट वीक स्टिक कर लिया है, अभी सूख गया है तो ऐसा बन जाएगा, आपको दिख रहा है ये देखो सेम ऐसे जैसे लिख रहा है दिख रहा है। और अभी ऐसे हमको सेम मल्टी कलर या वन कलर फाइव बना देना है और फिर इसको ऐसे स्पेशल टेक्निक से स्टेपल कर देना है। वो आपको एक स्टेप जितने बनाएंगे उतना उसको उससे ज्वाइन करना है। एक स्टेपल यहाँ पे लगाना है स्टॉप पे, फिर उसको उससे खोलना है फ्लावर की तरह फ्लावर, और उसको जो बड़ी बड़ी साइड है उससे स्टेपल कर लेना है, हमारा फ्लावर बन जाएगा। सेम है सर, ये मैंने एक पिकॉक जिसको हम गुजराते में मोर बोलते हैं, इतनी मोर, तो मैंने उसका ऐसा डिया पे बना है। इसमें यूजली मैंने क्या किया है, व्हाइट कलर लिया है और डिया पे अच्छे से व्हाइट कलर कर लिया है। कार्डबोर्ड से मैंने ऐसा शेप कट कर लिया है और उस पर ब्लू कलर कर लिया है। सेम है, मैंने यहाँ पे भी ब्लू कलर कर लिया, अंदर थोड़ी डिजाइन कर ली, दिख रही है आपको। और ऐसे मोर पंख सब नहीं मार सकते, बनाएंगे तो वो जल जाएंगे, वो फायर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी अगरबत्ती रखेंगे तो फिर वो फायर ले लेते हैं और फिर जल जाएगा। इसलिए हमने ऐसा डिज़ाइन हमने उसके साइड साइड्स में से मोर पंख बना लिया है, वाइटनर या वाइट मार्कर से एक छोटा सा डॉट कर लिया है और सेम ऐसे बना लिया है मैंने। और फेविकोल से इसको इसके साथ चिपका लेना है, ये बन गया। सो गाइस एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको कि ये है आबला, आप बोलते हैं जो मैंने इसके ऊपर लगाई थी, ये 20 रुपीज़ की है। आप जितना लेंगे उतने पर डिपेंड है, आपको कितनी जितने लेंगे उस पर डिपेंड है। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, तो आप ये सब कुछ अपने घर पे बना सकते हो, खेल सकते हो, उसको खेल तो नहीं सकते, लगा सकते हो और डेकोरेट कर सकते हो अपने हाउस को। और ऐसा नहीं कि हमने ऐसा दिवाली पे लगा दिया और बात खत्म, आप उसको आप अपने घर पे कहीं भी ये सब रख सकते हो, क्योंकि ये सब तो नहीं बड़ी एक रिलीजियस थिंग्स है। तो आपको अगर दिवाली के बाद भी लगाना है तो भी आप लगा सकते हो। आज के लिए इतना ही गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। Bye-bye.